दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक के 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। जो पूरे बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएंगे, 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। यह हर साल के रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर पूछे जाएंगे। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, इतना पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। यह क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इन सवालों के जवाब जानते हो तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। आपके ऑप्शन है क, जापान और भारत, ख, फ्रांस और अमेरिका, ग, चीन और भारत, घ, चीन और इटली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, चीन और भारत। क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ देख सकते हैं कि महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। यह क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, या इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि आर्थिक महाबंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। यह क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछे गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है क 1919 में, ख 1924 में, ग 1929 में और घ 1934। तो आपका गो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको 95% लाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वायरल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिल जाएगा। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है क, ब्लैक ला, ख, कार्न ला, ग, क्रोप ला, घ, प्रोडक्शन ला। तो आपका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्न ला। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है क, गुजरात में, ख, उत्तर प्रदेश में, ग, पंजाब में और घ, उड़ीसा में। तो आपका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि रोजाना ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। आपके ऑप्शन है क, एशिया, ख, अफ्रीका, ग, अमेरिका और घ, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है क, वाशिंगटन, ख, जिनेवा, ग, न्यूयॉर्क और घ, ऑस्ट्रिया। तो आपका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि ये सभी आपने तैयार कर लिया तो 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी। आपके ऑप्शन है क, प्लेग, ख, रिंडरपेस्ट, मलेरिया और घ, एनिमल फीवर। तो आपका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुबंध व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है क आपसी समझौता, ख गुलाम प्रथा, ग शर्त प्रथा और घ नई दास प्रथा। तो आपका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दास प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके समाजवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ था? आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है क प्रथम विश्व युद्ध, ख द्वितीय विश्व युद्ध, ग जापान रूस युद्ध और घ अणुबम युद्ध। यदि आपको जिस क्वेश्चन का जवाब पता हो, आप कमेंट में कमेंट करते रहेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो आपका कौन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बेहद उत्पादक पद्धति का योगदान रहा? आपके ऑप्शन है क हेनरी फोर्ड का, ख टाटा का, ग मार्केनी का, घ बिडला का। तो आपका कौन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हेनरी फोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपको सामाजिक विज्ञान के बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वायरल पेपर, आपको पहले से वीडियो बन चुका है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं और अपना 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? यह क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है क ब्रिटेन, ख फ्रांस, ग जर्मनी और घ रूस। तो आपका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है, यह क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है क 1945, ख 1920, ग 1942 और घ 1947। तो आपका कौन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, यह क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, या इस तरह से पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, यह क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, जिसके जवाब आपको भी पता होंगे। आपके ऑप्शन है क 1914 ईस्वी में, ख 1939 ईस्वी में, ग 1919 ईस्वी में, घ 1942 ईस्वी में। तो आपका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटेन में कारण कानून समाप्त करने का क्या कारण था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है क जनसंख्या में वृद्धि, ख कृषि उत्पादों में अधिकता, ग कारण आयात पर नियंत्रण, घ उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो आपका आएगा उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, आपके ऑप्शन है क ब्रिटेन, ख अमेरिका, ग फ्रांस और घ भारत। तो आपका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। तो आपके ऑप्शन है को अफ्रीका, खो यूरोप, ग अमेरिका और घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका में। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1929 ईस्वी में आर्थिक महाबंदी का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है, यह क्वेश्चन भी 2023 में पूछे गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके ऑप्शन है क कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ख अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण और घ उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो आपका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है क एक जानवर, ख एक घटना, ग एक खेल, घ एक बीमारी। तो आपका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है क 1940, ख 1942, ग 1945 और घ 1944। तो आपका घ नंबर ऑप्शन सही जाएगा, 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, जो हर साल के रिपीटेड क्वेश्चन थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है क एक, ख दो, ग तीन और घ चार। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम कमेंट में ही राइट आंसर बता देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।